नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टेक टॉक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर L&T फाइनेंस से टू व्हीलर लोन लिए हैं जैसे बाइक वगैरह, तो आप उस लोन का डिटेल देखना चाहते हो अपने फ़ोन में। जैसे आप अपने लोन का फुल डिटेल देखना चाहते हो, कितना EMI बचा हुआ है, कितना मतलब आपने पे कर दिया, या आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो, या आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है बचा हुआ है, ये सब चेक करना चाहते हो, तो L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन ऐप का क्या नाम है और उसमें आप कैसे लॉगिन हो सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ और मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन का ऐप आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है प्लानेट, जो L&T फाइनेंस का टू व्हीलर लोन का ऐप का नाम है प्लानेट, प्लानेट बाय L&T फाइनेंस, प्लानेट बाय L&T फाइनेंस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया साइड में प्लानेट बाय L&T फाइनेंस, ऐसे ही आपको लिखना है। मुझे लिखा हुआ मेरे मोबाइल में दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले लिखा था, आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसे लिखना है प्लानेट बाय L&T फाइनेंस, उसके बाद लिख के सर्च कर देना है। तो ये वाला ऐप है, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है और इसमें अपडेट आया हुआ है, अपडेट आपको करते रहना है इस ऐप को, नहीं तो ये ऐप काम करना बंद कर देता है। तो अब मैं अपडेट कर लेता हूँ। दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, तो आपको सारा परमिशन अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर अलाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका लोकेशन वगैरह, स्टोरेज का परमिशन मांग रहा है, वो आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएगा, व्हाइल यूजिंग द ऐप, ओनली दिस टाइम और डोंट अलाउड। तो आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप पर, उसके बाद आपको अपना ये भी अलाउ कर देना है, उसके बाद कौन भाषा में इस ऐप को यूज करना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश, जो भी आपको जो भाषा पसंद आए, मेरे को तो इंग्लिश ही सही है। उसके बाद कंटिन्यू नीचे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन में जो लिंक मोबाइल नंबर है, जो उस टाइम में आपसे मोबाइल नंबर मांगा होगा, OTP वगैरह वेरिफिकेशन हुआ होगा, वही नंबर आपको देना है। तो मैं दे लेता हूँ, तो मैंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो L&T फाइनेंस में है वो दे दिया हूँ। अब लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पासवर्ड आपको सेट करने के लिए बोलेगा, आपको दो बार सेम पासवर्ड डालना है। मेरा पहले से पासवर्ड डाल रखा हूँ इसलिए एक ही बार बोल रहा है, आपको चार चार अंक का दो बार सेम पासवर्ड डालना है। तो मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको आपसे दो बार पासवर्ड मांगा जाएगा सेट करने के लिए, मुझसे एक ही बार मांगा गया था। अब देखिए मेरे पूरे लोन का डिटेल आ गया, टू व्हीलर लोन का जो सारा डिटेल है वो सब आ गया। यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो मेरे लोन का कितना EMI बचा है, कितना पे हो गया, यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर डिटेल दिख रहा है, स्टेटमेंट डाउनलोड करने को बोल रहा है, अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, कितना अमाउंट पे करने को बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, सब कुछ दिखा रहा है। तो आपको ऐप डाउनलोड करने से यही फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पर 36 EMI में से 13 EMI मैंने पे कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह से L&T फाइनेंस लोन ऐप में आप लॉगिन हो सकते हो और अपने टू व्हीलर लोन का सारा डिटेल चेक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।